अब बात करते हैं अबाउट साइड इफेक्ट ऑफ लूप एंथाइजाइड डायुरेटिक्स, डिक्रीज सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एच प्लस। ठीक है, सोडियम का कम होने की वजह से हाइपोनाट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, और एच प्लस कम होगा तो मेटाबोलिक एल्कलोसिस। थायराइड्स में और लूप में दोनों में हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर यूरेसीमिया। ठीक, द ओनली डिफरेंस इन साइड इफेक्ट इज लूप लूजेस कैल्शियम। सो लूप्स डायुरेटिक्स जो हम देंगे जैसे कि फुरोसेमाइड, वो सब कैल्शियम का एक्सक्रीशन कराएंगे। सो दे कैन बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कैल्शियमिया। थायराइड्स कैल्शियम को एक्सक्रीट करा करके हाइपो कैल्शियमिया कराते हैं। क्लियर है? ये डायग्राम आप लोगों को पहले ही क्लियर है। ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको एक में यूज़ और बता सकूँ ऑफ लूप डायुरेटिक्स। सो लूप डायुरेटिक्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज़, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड पीरियोडिक टेबल में दे लाइन द सेम ग्रुप, अगर आपको याद हो, एक ही उसमें कॉलम में होते हैं। सो अगर ये क्लोराइड केस इंपोर्ट को इनहिबिट करेगा, सो इसको ब्रोमाइड और आयोडाइड पॉइजनिंग में दे सकते हैं लूप डायुरेटिक्स को। ठीक, और किसमें देते हैं? एडिमा में तो दिस इज वन ऑफ द ड्रग्स ऑफ चॉइस। कोई सा भी, सिरोटिक हो, नेफ्रोटिक हो, एडिमा, कोई सा भी एडिमा हो उसमें दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये चीज़ याद रखनी है, डायोरेसिस इसमें डिलेड होती है, बट जो रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है दैट इज द इमीडिएट एक्शन। इसीलिए जब भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको आंसर ये करना है वैसो डायलिटेशन, स्पेसिफिकली वीनो डायलिटेशन पहले होता है। डायलिसिस तो बाद की बात है। इंट्रावीनस फ्यूरोसेमाइड कॉजेज प्रॉम्प्ट इंक्रीज इन सिस्टमिक वीनस कैपेसिटेंस, वीनो डायलिटेशन ड्यू टू इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन्स डिक्रीजेज द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर, जो मैं पहले बता चुका हूँ, एंड डायस्टोलिक प्रेशर या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब होता है प्री लोड। इस कॉजेज शिफ्टिंग ऑफ फ्लूड फ्रॉम द पल्मोनरी इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, प्रोवाइड्स इमीजिएट रिलीफ इन डिस्निया, क्विक रिलीफ इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर एंड पल्मोनरी एडिमा। तो एक तो एडिमा हो गया, दूसरा डायुरेटिक ऑफ चॉइस मैंने बताया था सिरो, कार्डियक, हेपाटिक या रीनल, कोई सा भी एडिमा होगा, डायुरेटिक्स ऑफ चॉइस आर लूप डायुरेटिक्स। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा का रैशनल मैंने बता ही दिया अभी थोड़ी देर पहले, वेसो डायलेटर एक्शन प्रिसीड्स द सैल यूरेटिक एक्शन, मतलब सोडियम वाटर निकलेगा बट वो बाद में, पहले वेसो डायलेटरी एक्शन होगा। इसके अलावा हाइपरटेंशन में हाई सीलिंग डायुरेटिक्स को सिर्फ तब करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रीनल इंसफिशियंसी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और इन रेजिस्टेंट केसेस और हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज, नहीं तो हम लोग थायराइड्स को ही प्रेफर करते हैं और हाइपर कैल्शियमिया में दे सकते हैं बिकॉज दे लूज कैल्शियम। अब थायराइड्स को यूज़ कर सकते हैं इन माइल्ड टू मॉडरेट एडिमा, सीवियर के लिए तो हम लोग ऑब्वियसली लूप को ही प्रेफर करेंगे। हाइपरटेंशन में तो फर्स्ट चॉइस ड्रग्स हैं, बता चुका हूँ। डायबिटीज इंसिपिडस में भी डिस्कस करूंगा व्हाट इज द रैशनल। ब्रोमाइड और आयोडाइड पॉइजनिंग में भी दे सकते हैं क्योंकि सोडियम क्लोराइड सिंपोटर को इनहिबिट करता है इन द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ऑस्टियोपोरोसिस में नॉट यूज कॉमनली, बट मतलब दे सकते हैं बट देते नहीं, क्योंकि हमारे पास बेटर दवाइयाँ हैं अब तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। बिसफॉस्फोनेट्स आर द ड्रग्स ऑफ चॉइस ऑस्टियोपोरोसिस में बेसिकली, क्योंकि ये कैल्शियम को बढ़ाते हैं ब्लड में। लूप्स लूज कैल्शियम, थायराइड्स डू नॉट लूज कैल्शियम। और इसको रिकरेंट रीनल कैल्शियम स्टोन्स में भी वी कैन प्रिस्क्राइब थायराइड्स फ्रीली, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम को ये किडनी के अंदर जो स्टोन बनता है किडनी के अंदर वो जमा, मतलब इट विल नॉट अलाउ द स्टोन टू फॉर्म, सो इट कैन बी गिवन इन रिकरेंट रीनल कैल्शियम स्टोन्स। उसके बाद क्यों इसको डायबिटीज इंसिपिडस में दिया जाता है, इसके पीछे स्पेसिफिक रीजन है, पहले समझते हैं होता क्या है। डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू डिक्रीज इन द एंटी डायुरेटिक हॉर्मोन। सो वाटर रिटेन नहीं होगा, प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट होगा जिस विल कॉज पॉलीडिप्सिया, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा प्यास लगेगी आदमी ज़्यादा पानी पिएगा, ज़्यादा पेशाब निकालेगा, पॉलीयूरिया। अब थायराइड्स क्या करते हैं, आपने को पता होगा एक कॉर्टिकल और एक मेडुला, ऐसे होता है ना जो नेफ्रॉन होता है उसका स्ट्रक्चर, जो ग्लोमेरुलस नीचे, फिर आपका हेनलेज लूप ऐसे होता है फिर ऊपर, तो इस कॉर्टिकल पार्ट में ये सब आता है, मेडुलरी पार्ट में जनरली लूप ऑफ हेनले का थिन डिसेंडिंग लिम्ब, थिक असेंडिंग लिम्ब थोड़ा सा उसका पार्ट आता है। सो एक कॉर्टिकल डाइल्यूटिंग सेगमेंट और नीचे मेडुलरी कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट, तो जो थायराइड्स काम करते हैं ऑन द कॉर्टिकल डाइल्यूटिंग सेगमेंट, वहां पर डिस्टल कॉरोनरी ट्यूब्यूल को इनहिबिट कर दिया। सो जो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बढ़ी थी, डिस्टल यूरिन का जो डाइल्यूशन होगा वो कॉर्टिकल पार्ट में होगा, तो वहां पर हमने थायराइड दे करके उसको इनहिबिट कर दिया कॉर्टिकल डाइल्यूटिंग सेगमेंट में। तो बढ़ी हुई प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी थी वो बढ़ी की बढ़ी रहेगी, वो डाइल्यूट हो ही नहीं पाई क्योंकि थायराइड्स ने वहां पर उसको इनहिबिट कर दिया। सो दे कॉज एक्सक्रीशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, डिक्रीज प्लाज्मा,
थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट नहीं होगा क्योंकि प्लास्मोसमलरिटी कम है, तो पेशाब कम निकलेगा। ठीक है, हालांकि पैराडॉक्सिकल है, फिर भी थायराइड्स को नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में ऑब्वियसली जब ADH कम ही है तब तो हम डेस्मोप्रेसिन देते ही हैं। सो दिस फिनिशेज लूप एंड थायराइड डायबिटिक्स। इस लास्ट में दिस इज बेसिकली अ समरी।